का कार्यकर्ता, जनता का सहयोग, इस सब के लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। इस पूरी कमान को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे अजय माकन जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल मुख्यमंत्री तो है, और उनके साथ साथ उनकी जो 2.5 साल का बहुत अच्छा जो सरकार का कार्यकाल, और संगठन के तौर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, निवर्तमान जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए मंत्री, उन सबने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की और आज ये परिणाम इस प्रकार से आया है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को टोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। इसे काम कर रही है जो पहला पंचायत चुनाव थे उसमें भी वोट प्रतिशत हमारे आगे, फिर जब नगर निकाय के चुनाव आए तो 2/3 मेजोरिटी के साथ में हम आगे रहे, उसके बाद में जब उपचुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबा दिया जनता ने, और अब जब कल परसों कह रहे थे कि अभी 2 दिन है देख लेना, और जब आज के ये परिणाम है तो ये निश्चित रूप से हमारे सबके लिए संतोषजनक है, अच्छे हैं कि राजस्थान की जनता की 2.5 साल से सरकार के माध्यम से जो सेवा की गई है, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मिलकर के दी हैं, और जो बजट ऐतिहासिक दिया था, और कोरोना काल में जो बेहतर राजस्थान में हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से बेहतर जो इंजमात हुए, और जो मोदी जी की सरकार किसानों के साथ में जो अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, और जो महंगाई कम नहीं कर पा रही है, सबको मिला करके और बहुत ही अच्छे परिणाम है, और हम और मेहनत करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे, और सरकार और बढ़िया से बढ़िया योजनाएं लाएगी और ला करके जनता जो हमारी माए बाप है जिसने हमको कुर्सी तक पहुंचाया है उसकी सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे। अब सोचने का विषय तो भारतीय जनता पार्टी के है कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका में आगे रहना चाहती है 2023 में, या किसी अन्य दल को कोई दूसरे को आना पड़ेगा, ये उनको सोचने की बात है। तो हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट।